-50 डिग्री सेल्सियस पर खौलता हुआ पानी भी जम जाता है, ऐसे में वहाँ के लोग गाय का दूध कैसे निकालते होंगे। काफी डिफरेंस प्रोस्पेक्ट है, सरल भाषा में समझाएंगे, इसलिए हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर दीजिए। पहले ये समझ लेते हैं कि इतने कम तापमान में गाय कैसे खाती है और कैसे पानी पीती है। देखिए, जब चारों तरफ धरती पर बर्फ पड़ी रहती है तो गायों को काफी मेहनत करके अपने लिए घास ढूंढनी पड़ती है, और जब गाय बिल्कुल भी घास नहीं ढूंढ पाती तो ऐसे में इमरजेंसी के लिए बचा कर रखा हुआ घास खिलाया जाता है। अब इतने कम तापमान में पाइप के थ्रू तो पानी पहुंचना असंभव है, इसलिए पशुपालक बर्फ को तोड़कर उसे साफ करते हैं और वहां पर पशुओं को लाकर पानी पिलाया जाता है, क्योंकि पानी को अगर निकालकर पशुओं के पास ले जाएंगे तब तक वो जम चुका होगा। इतने कम तापमान में अगर गाय को बाहर निकालकर उसका दूध निकालने की कोशिश की जाए तो वो पशुओं के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है, इसीलिए गौशालाएं जहां पर तापमान सामान्य रखा जाता है वहीं पर गायों का दूध निकाला जाता है। बाकी कमेंट करके आप बताइए कि सर्दियों में आपने कभी ठंडे पानी से नहाया है।